क्लाउड में रन हो रहा है, किसी भी हाई एंड पीसी का मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ा। आप लोग जैसा कि देख सकते हो कितना मस्त तरीके से हमारा यहाँ पर ही क्लाउड गेमिंग हो रहा है। व्हाट्सअप दोस्तों, मेरा नाम है सायल सिंह और आप देख रहे हो अपना टेक साल्ट्रिक्स। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में ना हम लोग बात करने वाले कि अपना पीसी या फिर लैपटॉप में जो क्लाउड गेमिंग होता है ना उसको कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, अब क्लाउड गेमिंग मतलब मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूँ कि क्लाउड गेमिंग क्या होता है। अब देखो, क्लाउड गेमिंग मतलब ये होता है कि आप लोगों का पीसी फॉर सपोज लो एंड पीसी है और आप लोगों को उसी लो एंड पीसी में हाई एंड गेम चलाना, यानी कि GTA 5 जैसा और कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स जैसा जो हाई एंड जैसा गेम्स, सब जो आप लोगों को तो पता है साइबर पंक 2077 इस टाइप का जो बड़े बड़े जो गेम्स, अगर आप लोग अपने लो एंड पीसी में चलाओगे तो आप लोगों का पीसी है ना वो एकदम भयंकर वाला लैग करने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, बट इसी कंडीशन में मैं आप लोग बोलूँ आप लोग लो एंड पीसी में ही आप लोग ये सब गेम्स एकदम हाई एंड गेम्स सब इन्जॉय कर सकते हो। वो कैसे? वो क्लाउड गेमिंग के जरिए। अब क्लाउड गेमिंग में क्या होता है, जो आप लोगों का जो गेम्स वगैरह होता है ना वो किसी दूसरे सर्वर में चलता है, किसी दूसरे पीसी में चलता है, बट वो आप लोग क्या बस पीसी में ना बस स्ट्रीम होता है। जी हाँ दोस्तों, चल रहा है दूसरे पीसी में बट आपके पीसी में स्ट्रीम होगा। जी हाँ दोस्तों, आपके पीसी में दिखेगा और इस टाइप का वो काम करेगा कि आप लोग उसको खेल भी पाओगे अपने ही पीसी में। बट उसके लिए मैं आप लोग बता दूँ, आप लोगों का जो इंटरनेट कनेक्शन है ना वो थोड़ा सा स्पीड होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वहाँ से जो डाटा ट्रांसफर आप लोगों को पता है, आप लोगों पीसी आप लोगों का ऐसे में आप लोगों क्या होता था, आप लोगों का पीसी का जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो बढ़िया मांगता था। बट अगर आप लोगों का इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है ना तब आप लोग ये क्लाउड गेमिंग को एक ना एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो कैसे करते हैं चलो बात करते हैं, मगर उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू विजिट किए हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोग का एक सब्सक्राइब और आपका एक लाइक ना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कीमती है। और हाँ, इस वीडियो के रिगार्डिंग या किसी और वीडियो के रिगार्डिंग किसी भी टाइप का डाउट हो ना तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम में जाकर के मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो, आईडी आप लोग मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो भले चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोग, क्लाउड गेमिंग करने के लिए ना अपने पीसी में आप लोगों को सबसे पहले अपना पीसी ब्राउजर है ना उसको ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पर ही आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है विंड स्क्राइब। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो विंड स्क्राइब करके दोस्तों ये सॉफ्टवेयर है, तो आप लोग ये विंड स्क्राइब करके आप लोग ये सॉफ्टवेयर है ना इसको डाउनलोड कर लेना। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये वेबसाइट खुल करके आएगा, तो ये जो विंड स्क्राइब है डाउनलोड विंड स्क्राइब पर डाउनलोड इसमें क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। तो जैसे ही आप लोग डाउनलोड कर लोगे ना तो यहाँ पर आप लोगों का जो विंड स्क्राइब है ना यहाँ पर ही जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये विंड स्क्राइब आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो आप लोग अगर पहला बार इसको अगर ओपन करोगे ना तो यहाँ पर ही लॉगिन करने के लिए बोलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अगर पहला बार ओपन करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को लॉगिन करने को बोलेगा, तो आप लोग लॉगिन कर लेना। लॉगिन का बटन आएगा, लॉगिन करोगे तो आप लोग ये वेबसाइट वगैरह खुल के आएगा, तो वेबसाइट खुल जाएगा तो आप लोग वहाँ लॉगिन कर लेना और आप लोगों का फिर यहाँ पर भी लॉगिन हो जाएगा। तो इसमें लॉगिन कर लेने के बाद ना आप लोग क्या करना, इसमें लॉगिन कर लेना और यहाँ से सबसे पहले तो यहाँ लोकेशंस मिलेगा और लोकेशंस में आप लोग देख सकते हो यहाँ बहुत सारा है, वेस्ट US जैसे कि देख सकते हो बहुत सारा यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोगों को तो सबसे पहले सेलेक्ट करना है US ईस्ट या तो फिर शिकागो सेलेक्ट कर लेना या न्यूयॉर्क सेलेक्ट कर लेना, आप लोगों को जहाँ चाहे वहाँ सेलेक्ट कर लेना। जो नॉन स्टार वाला है ना वो सब आप लोगों को मिल जाएगा फ्री में, तो ये नॉन स्टॉप वाला जैसे कि देख सकते मैंने शिकागो सेलेक्ट किया है, तो शिकागो मैंने सेलेक्ट कर दिया और मैंने जो है ना जिससे पूरा का पूरा कनेक्ट हो गया जैसे कि आप लोग यहाँ पर ही देख सकते हो। तो इस VPN से दरअसल ये VPN है जिससे मैं कनेक्ट हो गया, शिकागो का VPN मतलब US का सर्वर से मैंने कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर ही अब आप लोगों को लिखना पड़ेगा NVIDIA GeForce Now। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को लिखना है NVIDIA GeForce Now आप लोगों को लिखना है। तो जैसे आप लोग यहाँ पर ही NVIDIA GeForce Now लिखोगे ना यहाँ आप लोगों को कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग ये पहला वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग ये पहला वाला में क्लिक कर देना और इस वेबसाइट को ओपन कर लेना। ये NVIDIA GeForce Now का एक वेबसाइट है, ये एक क्लाउड गेमिंग वाला एप्लीकेशन है जिसको कि यूज़ करके आप लोग अपने PC में जो क्लाउड गेमिंग है ना वो कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग ये ज्वाइन नाउ का बटन मिलेगा, तो ये आप लोग ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर देना और यहाँ पर आप लोगों को ये फ्री वाला ऑप्शन मिलेगा, ये फ्री वाला में ये ज्वाइन पे आप लोग क्लिक कर देना जैसे कि देख सकते हो। जैसे आप लोग यहाँ पर ही ज्वाइन पे क्लिक कर दोगे ना तो यहाँ पर ही हो सके आप लोगों को कुछ लॉगिन वगैरह करने को बोल सकता है। तो यहाँ पर ही देख सकते हम लोग चेकआउट यहाँ पर ही लॉगिन करने के लिए आएगा, तो आप लोग इसमें लॉगिन कर लेना। यहाँ देख सकते हम लोग को यहाँ लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर ही आप लोग अपना जो गूगल अकाउंट वगैरह है ना उससे लॉगिन कर लेना। फॉर सपोज मैं यहाँ पर गूगल अकाउंट से ही लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग का वो सब कंप्लीट हो गया। अब आप लोग यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर लेना आप लोगों को किस टाइप का सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए तो आप लोग सेलेक्ट कर लेना। तो फिलहाल तो मेरे को बस वीडियो बनाना है तो मैं आप लोगों को बस करके दिखा देता हूँ, आप लोग अपने मुताबिक कोई भी एक सिक्योरिटी कर लेना, ऑथेंटिकेटर ऐप से आप लोग करना है या हार्डवेयर सिक्योरिटी डिवाइस जो भी करना है कर लेना। यहाँ हम लोग फिलहाल के लिए नॉट नाउ पे हम लोग क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर ही
जो एनवीडिया का वेबसाइट में हम लोग वगैरह इसमें पूरा का पूरा लॉगिन हो चुका है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर ही आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ही आप लोग सबमिट पैसे डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हो, मैंने वहाँ पर ही कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, तो आप लोग देख लें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हम लोग वो सब पूरा प्रोसेस कम्प्लीट कर लिए। अब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जैसे कि देख सकते हो विंडोज़ पीसी करके, तो आप लोग ये डाउनलोड पे बटन में क्लिक कर देना और इसको डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ देख सकते हो हम लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हो हमारा डाउनलोड होने स्टार्ट हो चुका है। तो थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लेना। आप लोग एक चीज़ ज़रूर सोचते होंगे कि आखिर मैंने यहाँ पर ये जो VPN है ना, इसका इस्तेमाल क्यों किया इसको डाउनलोड करने के लिए। अब देखो, ये जो NVIDIA का GeForce Now है ना, ये एक क्लाउड गेमिंग वाला एप्लीकेशन है जो कि अभी के लिए बस कुछ ही सिटीज़ में लॉन्च हुआ है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी इसका टेस्टिंग चल रहा है, अभी इंडिया में मतलब लॉन्च नहीं किया गया है। ओके, खैर फिलहाल आप लोग यूज़ कर सकते हो, आप लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, बस लॉन्च नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि बैन वगैरह, कुछ नहीं, बस आप लोगों का ये लॉन्च नहीं हुआ है। तो लॉन्च भी मेरे ख्याल से इंडिया में जल्दी ही हो जाएगा, उसका भी टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल के लिए आप लोग अगर टेस्टिंग वगैरह के लिए यूज़ करना चाहते हो तो इसको यूज़ कर सकते हो। हम लोग इसको फटाफट अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं हमारे ये पूरा इंस्टॉल हो गया। यहाँ पर हम लोग एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोगों को जो भी गेम, फॉर सपोज आप लोगों को जो भी गेम आप लोगों को खेलना है ना, तो सारा गेम आप लोगों का जो चलेगा ना वो क्लाउड में चलेगा। तो हम लोग किसी भी एक गेम को हम लोग यहाँ पर रन करके देखते हैं। फॉर सपोज भाई लोग, हम लोग इसमें हम लोग ये वाला गेम को हम लोग प्ले करके देखेंगे। ये हम लोग जैसे ही प्ले पे क्लिक किए, आप लोगों को यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ये ऐप में लॉगिन पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ ये वेबसाइट खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर एक बार हम लोग वापस से क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग ये लॉगिन में क्लिक किए, अब यहाँ पर देख सकते ये वेबसाइट यहाँ पर ये खुल करके आ गया है। तो जैसे हम लोग ये वेबसाइट में क्लिक कर दिया, अब यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर ही हमारा लॉगिन हो गया, जैसे कि आप लोग यहाँ पर ही देख सकते हो। आप लोगों को तो एक बार याद होगा, हम लोग शुरू में जो लॉगिन किए थे वही वाला हम लोग लॉगिन था उस समय। ओके, तो हम लोग का बस क्या करना था, यहाँ लॉगिन में क्लिक करना था और हमारा यहाँ पर देख सकते हो हमारा पूरा प्रोसेस यहाँ से कम्प्लीट हो चुका है। अब चलिए किसी भी एक गेम को प्ले करके देखते हैं। फॉर सपोज हम लोग ये वाला को ऑन करते हैं और यहाँ पर ही प्ले पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे प्ले पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ देख सकते हो एनालाइजिंग नेटवर्क, यहाँ पर ही पूरा का पूरा आप लोगों का नेटवर्क एनालाइज। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरा नेटवर्क क्वालिटी उतना कुछ खास नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो उस पर आप लोग ध्यान मत देना, मैं मोबाइल का ही नेट से यूज़ कर रहा हूँ। तो हो सके तो आप लोगों को थोड़ा मोड़ा बफरिंग वगैरह भी देखने को मिल सकता है क्लाउड गेमिंग में। तो यहाँ पर ही देख सकते हो हम लोगों को कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम बता रहा है। तो हम लोग यहाँ पर ही कंटिन्यू एनी वे पे हम लोग क्लिक करेंगे। और हम लोग जैसे ही कंटिन्यू एनी वे पे क्लिक किए, तो यहाँ आप लोग देख सकते हो ये वाला हमारा लोड हो रहा है। तो आप लोग भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना, मैंने आप लोगों को पूरा प्रोसेस बता दिया एकदम ईजी वे में। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं किए हम लोग, यहाँ भी कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर ही भाई लोग, जैसा कि देख सकते हो हमारा जो क्लाउड गेमिंग है वो यहाँ पर ही होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर ही देख सकते हो, पूरा मस्त तरीके से यहाँ पर ही हमारा काम कर रहा है बिना किसी लैग, बिना किसी प्रॉब्लम का। हाँ, ये बात हुआ है, यहाँ पर ही आप लोगों को थोड़ा मोड़ा जो बीच बीच में है रुक रुक के चलता हुआ दिखता होगा। यहाँ न्यू पे हम लोग क्लिक कर देते हैं और यहाँ न्यू गेम पे क्लिक कर देते हैं। अब क्यों आप लोगों को लगता होगा, क्योंकि मेरा जो है ना नेटवर्क है वो थोड़ा स्लो है, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा लगता होगा। इसीलिए मैंने पहले ही बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में, अगर आप लोगों का नेट स्पीड है तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। देख सकते हो भाई लोग कितना अच्छा तरीके से हमारा पूरा का पूरा गेम काम कर रहा है। तो मैंने एक गेम तो आप लोगों को प्ले करके दिखा दिया। तो चलिए एक बार, उम्मीद है कि भाई लोग आप लोगों को वो वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों का पूरा पता चल गया होगा कि कैसे क्लाउड गेमिंग करते हैं पीसी में और फिर लैपटॉप में। एक बार ट्राई ज़रूर करना और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। एक और बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं वहाँ पर ही कुछ गेम जो चलाया था वो आप लोग खेल कर सकते हो, बट कुछ गेम वहाँ पर ही ऐसे भी है ना जिनको आप लोगों को परचेस करना पड़ेगा। यानी कि फॉर सपोज आप लोग साइबर पंक 2077 को परचेस किए, तो अगर आप लोगों का पीसी एक लो इंड पीसी है ना, तो आप लोग क्या कर सकते हो, साइबर पंक 2077 को एनवीडिया का जो है ना, आप लोगों का जो मैंने दिखाया था एक्सपीरियंस नाउ वाला, तो आप लोग उससे जा करके अपना मान लीजिए स्ट्रीम में है तो स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना और अपना जो आपका जो गेम है वो सेलेक्ट कर देना। फिर जो आप लोग गेम रन होगा वो आप लोगों का पीसी में रन नहीं होगा, वो आप लोगों का एनवीडिया यानी कि जो एनवीडिया का एक्सपीरियंस नाउ है ना आप लोगों का, उसमें रन होगा। जी हाँ दोस्तों, क्लाउड गेम वाला उसमें रन होगा, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चीज़ है। तो वीडियो पसंद आया तो पहले वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पहली बार भारत चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों फिर होंगे ऐसे नई वीडियो को लेकर, इस वीडियो को रिगार्डिंग या किसी और वीडियो को रिगार्डिंग किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर जाकर मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो। आईडी आप लोग मेरा
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो बोले चलिए बाय बाय, और हाँ लाइक कर लेना इस वीडियो को, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को।